हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 26। और इस एपिसोड में हम लोग एक सिंपल पंपकिन फार्म बनाने वाले हैं और नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो वो फार्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को मटेरियल इकट्ठा करना है, जो कि मटेरियल इकट्ठा करना बहुत ईजी होगा, तो मैं वो तुम लोगों को नहीं दिखाने वाला। उल्टा मैं सबसे पहले पिलेजर आउटपोस्ट जाऊंगा, एक रेड परफॉर्म करते हैं और हम लोग का जो हीरो ऑफ द विलेज उसको शायद हम लोग देखते हैं उसको और इंक्रीज कर पाते क्या। और नीचे का जो था, जो क्या बोलते हैं कलेक्शन सिस्टम, वो एक ब्लॉक नीचे था, उसको हम लोग एक ब्लॉक ऊपर भी कर देंगे साथ साथ में। सो लेट्स बिगिन। तो मैं अभी जस्ट नेदर में आया और मैंने देखा कि एक पिलेजर और एक रैवेजर दोनों नेदर पोर्टल के इधर से नेदर में आ गए थे। तो मेरे को पता तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बट पिछले रेड में शायद एक पिलेजर बैनर वाला इधर आ गया नेदर में, और इधर एक रैवेजर भी था, पता नहीं कहां निकल गया वो। मेरा मारने का मूड नहीं है, बट मैंने रैवेजर इन लोगों को भी देखा। अभी मेरे पास बैड ओमेन भी मिल गया इधर ही, जस्ट जैसे मैं नेदर को एंटर किया। ये ट्री अच्छा है अगर मेरे को बार बार वो पिलेजर मिल रहा है तो। ओ शिट, मैंने अभी बोला था मेरे को रैवेजर दिख रहा है। रुक रुक, ओ भाई डैमेज देख रहे हो उसका, प्रोटेक्शन 4 आर्मर पे ऐसे ही घूमते रहते। मैं उधर विलेजर के पास नहीं जा रहा, मेरे को ये साइड से जाना पड़ेगा। मर भाई जल्दी मर। ओ शिट भाई, मर ही नहीं रहा है फाइनली। सोचो ना, मैंने एक सैडल की इतनी मेहनत की, बट फिर भी चलो। अभी हम लोग को बैडमैन मिल गया, रेड अभी चालू होने वाला है आई थिंक। सो अभी चालू होगा, चालू हो, यस चालू हुआ रेड ऊपर। अगर हर बार ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, सही है। ये होल से हम लोग को नीचे जाना है और रेड के कंटेस्टेंट्स के लिए हम लोग को रुकना है। सो द वेटिंग गेम बिगिंस नाउ, देखते हैं इन लोग को इतना कितने टाइम में आते हैं नीचे। और तुम लोग जैसे कि नीचे देख सकते हैं, नीचे कॉबल स्टोन है, तो एक फ्लोर ऊपर कर लिया है मैंने। होपफुली इन लोग मरे नहीं, मतलब गिर के मरे नहीं। तो जैसे मैं पिलेजर को मार लूंगा शायद खत्म हो जाना चाहिए। तीन ही पिलेजर है, वो एक लास्ट अभी बाकी है, ये भी मर गया। नाइस, अच्छा रेड था, सिंपल रेड था, रेड नंबर 2। आजा भाई, आई थिंक सो ये दोनों ही लास्ट है। लेट्स चेक, एक को मारा और दो, ये क्या बोलते हैं इन लोग को, जो भी है कोई है, एमरल्ड भर भर के मिल रहा है, ओमनियस बैनर मिल रहा है। ओमनियस बैनर चाहिए किसको यार, चलो जल्दी जल्दी गिरो लास्ट के दो लोग। आई थिंक मुझे ऊपर जाना चाहिए, आई डोंट नो, लेट्स सी, ऊपर जाके देखते एक बार। ये वाले रेड फार्म का यही इशू है, कभी कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, क्योंकि स्केलेटन का आवाज आ रहा है। वाह, अभी कोई तो गिरा नीचे, शायद कोई तो गिरा। वो थर्ड रेड भी चालू हो गया, तो फॉल डैमेज से ही मर गया, कुछ तो हो गया होगा, लावा में अटक गए होंगे उन लोग। यस, रेड नंबर 3, लेट्स स्टार्ट। मेरे को पता नहीं है कितना जल्दी बढ़ता है हीरो ऑफ द विलेज, जिससे हम लोग के ट्रेड्स इजीली क्या बोलते हैं और सस्ते हो जाएंगे। मेरा हीरो ऑफ द विलेज इनफाइनाइट था, 26 मिनट्स ही दिखा रहा है। फाइनली एक पिलेजर आया, तेरी मौत पक्की। एक और पिलेजर, लास्ट कोई है। वो रेड बार नीचे जा रहा था, इसका मतलब कोई मर रहा है क्या? आई थिंक सो, चलो मर ही गया वो। फोर्थ रेड, लेट्स स्टार्ट। ये टाइम मुझे एक टोटम चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे को ये टाइम टोटम चाहिए। पिछली बार मेरे को एक भी टोटम नहीं मिला था, बिकॉज वो भाई साहब लावा में जल के मर गए थे पिछली बार, अगर तुमने वो सीन देखा होगा तो। ये टाइम तो मैं मरने दूंगा नहीं। एक पिलेजर आया, जंप क्यों कर रहा है भाई, अरे जंप क्यों कर रहे हो। एक मरा, तू भी मर। नाइस, सब लोग वन शॉट हो गए। एक और पिलेजर, इसको क्या बोलते पता नहीं, तू कौन है भाई, विच है क्या? हेलो मैडम, जंप मत करो। वो हीलिंग पोशन यूज कर रही थी वो, इसलिए ग्लास बॉटल्स भी अपने पास। और कोई है, रैवेजर अटका होगा तो शायद वो। ओ वाओ, व्हाट इज दैट, फाइनली सिर्फ एक रैवेजर हो, ऊपर मर जाए और फिफ्थ रेड चालू हो जाए। फाइनली लास्ट विच आ गई एंड यू आर डेड। फाइनल इसमें हम लोग को वो वाला स्पॉन होएगा, वेक्सेस वाला आदमी स्पॉन होएगा। हम लोग एकदम बच के रहना है, बिकॉज ये सबसे डरावना पार्ट है। अगर मैं गलती से भी वेक्सेस वाले को इधर से मारा तो उसके वेक्सेस स्पॉन होके वॉल थ्रू वॉल आके मेरे को मार डालेंगे। टोटम है मेरे पास 2, बट फिर भी इट इज कैरी। ओके, एक पिलेजर गिरा, यू डेड। और कोई है आपका साथी बंधु? आ यार जल्दी। नाइस, एक विच, तू भी एक, और कोई? वाओ, अभी तक सिर्फ 30% रेड हुआ है भाई, खुद से ही नीचे जा रहा है पूरा बार। व्हाट, वो फॉल डैमेज से ही मर गया, उसने टोटम ड्रॉप किया पर। एक नंबर, उसने टोटम ड्रॉप किया। आई थिंक सो रेड इज डन, मेन वाले तो सब मर गए। टोटम, यस नाइस। उन लोग फॉल डैमेज से कैसे मर रहे हैं, उन लोग लावा में घुस जा रहे हैं आई बिलीव, आई डोंट नो। और थोड़ा 5 मिनट रुकते हैं, लास्ट रेड है, उसके बाद ऊपर चलते हैं। आई थिंक सो मेरे को ऊपर जाके चेक करना चाहिए, दो लोग शायद अटक ही गए होंगे, लास्ट रेड के साथ ही होता है ना ऐसा। एक एक्स्ट्रा टोटम मिला है, गुड टू सी। कौन हो भाई, ये वाले होल में कोई अटका है क्या? आई डोंट थिंक सो, मेरे पीछे एक बेबी ज़ॉम्बी है और 3 क्रीपर। मेरे को लास्ट के 2 भाई बंधु दिख नहीं रहे, तुम लोग को दिख रहे क्या? चलो हंट पे निकलते हैं, ढूंढना तो पड़ेगा, नहीं तो रेड फाइनली अपने साइड नहीं होएगा शायद। ओ इधर है 2 पिलेजर, फाइनली। यार इधर इतने सारे केव्स है तो मैं क्या करूँ यार, मेरे को दिखते नहीं है। ओ भाई ये कौन है, इसके पास बैनर क्यों है? पर वो इधर एक जियोड भी है, गुड टू सी। डोंट टेल मी एक और रेड है। ओ फाइनली। अभी हम लोग हीरो ऑफ द विलेज चेक करते हैं, नहीं कुछ बड़ा नहीं उसका लेवल, बट फिर भी अभी वापस परमानेंट हो गया है, तो जैसे ही टाइमर दिखाएगा हम लोग
हर बार रेड करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे रहते हैं और सामान इकट्ठा करते हैं। तो अभी सूरज वापस ढलना चालू हो गया, तीसरा दिन आई बिलीव, लेट्स चेक। मैंने सब सामान कलेक्ट कर लिया है, सबसे ज्यादा पिस्टन में मेहनत लगी, मैं नीचे उधर है ना होल अपना नीचे उधर, मैंने उधर से स्टोन ले लिया और फिर पिस्टन बना दिया। ऑब्जर्वर अभी तक नहीं बना बिकॉज हम लोग रेड स्टोन की बहुत ज्यादा कमी है, रेड स्टोन डस्ट भी चाहिए हम लोग को। साथ में पावर ड्रिल बनाने के लिए मेरे पास जो गोल्ड मैंने ओशन मॉन्यूमेंट ये सबसे लिया था वो है, साथ में फिर रेल्स बना लिया इजिली आयरन भर भर के, पंपकिन ले लिया मैंने, पंपकिन लिया था बीच में मैंने, हॉपर चेस्ट ये सब तो इजिली मिल जाता है, और टेम्पररी ब्लॉक्स है मेरे पास। रेडस्टोन टॉर्चेस और रेडस्टोन अभी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ माइनिंग चलते हैं और जैसे ही रेडस्टोन मिलेगा मैं तुम लोगों को बताता हूँ माइनिंग कौन से वाले केव में जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, नो आइडिया। लेट्स चेक किधर मिलता है अपने को। सबसे पहले मैं रेड फार्म जाके चेक करता हूँ कि विच ने हम लोग को कितना क्या बोलते हैं रेडस्टोन ड्रॉप किया है। आई बिलीव होपफुली ज्यादा ड्रॉप किया हो तो अच्छा है, बट मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा ड्रॉप किया जितना हम लोग को चाहिए। हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 स्टैक चाहिए, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं, उससे कम ही चाहिए, बट फिर भी 1.5 स्टैक विल बी लाइक वाओ, दो रेडस्टोन सीरियसली, इससे ज्यादा नहीं दे सकते थे तुम लोग। रेडस्टोन को और विलेजर भी बेचता है क्या, चेक करते हैं, तब तक माइनिंग चलते हैं। तो मेरे को खुद पे भरोसा था, मैं जो नीचे बता इधर हम लोग स्केलेटन को मारने की प्रथा कंटिन्यू करते थे, उधर इधर रेडस्टोन है और इधर थोड़ा बहुत रेडस्टोन है, आई थिंक सो ये केव थोड़ा आगे भी कंटिन्यू होता है, तो मैंने रेडस्टोन भर भर के छोड़ा होगा। एंड ट्रस्ट भी मेरे पास फॉर्चून 3 भी नहीं है ना, वाओ अगर फॉर्चून 3 होता तो बात ही अलग होती, हम लोग इजीली सब रेडस्टोन ले पाते, बट अभी के लिए ऐसे ही रेडस्टोन थोड़ा बहुत लेते हैं। अभी कितना हो गया अपने पास, 30 हो गया अपने पास, सो और 2-3 वेन मिल जाए एंड डन, फिर घर पे जा सकते हैं और हम लोग अपना फार्म बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। तो मेरे को इधर माइनशाफ्ट है वो पता है उधर नीचे, उधर ही मेरे को रेडस्टोन मिल गया भर भर के, आई थिंक सो दिस शुड बी इनफ। कितना हो गया, 60 हो गया, एक लास्ट वेन ढूंढते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। ओ इधर सामने ही है मेरे, वाओ रेडस्टोन इतना रेयर नहीं है यार, मैं क्यों टेंशन ले रहा था। एक और लास्ट, पक्का वाला लास्ट, ये टाइम लास्टेस्ट लास्ट, रीपर का ध्यान नहीं है वो, तब तक वॉट आते सब। एंड हो गया, हो गया, और मिल रहा है भाई, और मिल रहा है, बस बस इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए। अभी ऊपर चलते हैं और फाइनल का सामान इकट्ठा करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने सब सामान इकट्ठा कर लिया, तुम लोग चेस्ट में देख सकते हो 40 ऑब्जर्वर बना लिया, इसको ब्रेक करते हैं, शल्कर बॉक्स हम लोग का रेडी है। तो मैं सोच रहा हूँ फार्म किधर बनाऊं, मैं अंडरग्राउंड बनाने का सोच रहा था बट आई डोंट थिंक सो इतना सेंस बनेगा, इधर थोड़ी बहुत जगह है बट हम लोग को बहुत बड़ा एरिया चाहिए, सो आई थिंक सैंड में बनाना चाहिए, आई डोंट नो, इधर बनाते हैं। ओके दिस इज अ गुड एरिया, अगर मैं इसको इधर से थोड़ा प्लेन कर दूँ और इधर थोड़ा बहुत डर्ट ऐड कर दूँ ना तो इधर एक अच्छा बॉक्स बन जाएगा, एंड आई थिंक सो इधर एक अच्छा पंपकिन फार्म बन सकता है, पंपकिन और मेलन कुछ भी तुम लोग उस पर डाल सकते हो। सो एक काम करो तुम लोग बिल्डिंग मॉन्टाज देखो तब तक, एंड लेट्स गेट बिल्डिंग। फाइनली पूरा फॉर्म रेडी हो गया, तुम लोगों ने टाइम लैप्स तो देख ही लिया होगा, थोड़ा वियर टाइम लैप्स था बिकॉज मेरे को बार बार भागना पड़ रहा था, रेडस्टोन का कम पड़ रहा था, साथ में पिस्टन और ऑब्जर्वर भी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए था तो उसकी वजह से। एंड आई थिंक द फॉर्म इज टर्न आउट टू बी प्रीटी गुड, मेरे को तो अच्छा लगा। ये देखो रैपिडली काम कर रहा है, जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं वो सिग्नल पास आउट कर रहा है। एंड अभी थोड़ा बहुत इसको डिजाइनिंग देते, ऊपर से भी कवर करते हैं, साइड से भी कवर करते हैं, ग्लास वास लगाएंगे और फिर साथ में मैं तुम लोगों को रेट्स भी बताऊंगा कि कितने एक मतलब क्या बोलते हैं कितना पंपकिन मिल रहा है आधे घंटे में, वो हम लोग चेक करेंगे, मैं तुम लोगों को बताता हूँ एंड देन विल एंड द वीडियो। तो फाइनली तुम लोग इधर देख सकते हो मैंने ऐसा कुछ डिजाइन किया, तुम लोगों को कैसा लगा, मैंने वो वीडियो में से देख के डिजाइन किया, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी ये सब कुछ ग्रो नहीं हुआ था, मैं मैक्स टू मैक्स को अभी बोन मिल कर देता हूँ, जैसे ही ये सब ग्रो हो जाएगा मैं तुम लोग को AFK करके बताऊंगा 15 मिनट तक। चलो अभी सब कुछ तुम लोग इधर देख सकते हो, सब कुछ ग्रो हो गया, सिर्फ वो एक दो थोड़े बाकी है सेंटर के, मैं उधर तक पहुंच नहीं सकता बट मैक्स टू मैक्स सब कुछ ग्रो हो गया। अभी 15 मिनट तक AFK करते, तब तक तुम लोग मॉन्टेज जो भी तुम लोग को दिख रहा है वो देखो। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। हम लोग ने अभी 15 मिनट से ज्यादा क्या आधा घंटा कवर कर लिया और फिर भी हम लोग के पास 2 stack 17 आया है, विच इज अभी के लिए होए मोर देन इनफ बिकॉज हम लोग उससे ज्यादा पंपकिन पाए नहीं चाहिए खाने के लिए। तुम लोग देख सकते हैं रनिंग आउट ऑफ फूड, सो उतना बस है। एंड आई थिंक सो तुम लोग को ये फार्म का पता चल गया, पॉसिबिलिटीज के क्या क्या मिल सकता है तुम लोग को। यार ये तो सेंटर का अभी तक ग्रो नहीं हुआ। चलो कुछ नहीं, अगर तुम लोग को डिजाइन विजाइन सब कुछ अच्छा लगा और सब कुछ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड लेट्स एंड द वीडियो। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @बेबू ऑफिशियल एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। चलो बाय बाय।